लिसा भारती, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कॉलिंग बनाना बताऊंगी न्यू डिजाइन में। ये देखिए, जिसके लिए मैंने स्टिक ली है और ये मेरे डेकोरेट के लिए मैंने ये अपनी माला टाइप में आती है ये। ये देखिए, इसे हम राखी वगैरह किसी से किससे भी डेकोरेट कर सकते हैं, इससे हम किसी भी चीज को डेकोरेट कर सकते हैं। और ये देखिए, ये मैंने थोड़े नक्स लिए हैं। ये देखिए, मैंने दो कलर लिया है, मैरून एंड वाइट। अभी देखिए उसको हम किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आज आपको बताऊंगी। ये देखिए, स्टिक को हम इस तरीके से रखेंगे बिल्कुल पास पास, मुझे इधर इस तरीके से स्टिक रखनी है। स्टिक रखने के बाद अभी देखिए इस पर हम रिबन लगाएंगे। ऐसे ग्लू गन लगाने के बाद हम स्टिक को बराबर कर देंगे और फिर हम अपनी वाली स्टिक लगाएंगे इसके ऊपर। अभी देखिए, मैं इसके स्टिक के ऊपर ग्लू गन लगाऊंगी। स्टिक आप कलरफुल भी ले सकते हो या इसके ऊपर कलर भी कर सकते हो। ये देखिए, इमेज को बिल्कुल पास लगानी है स्टिक इस तरीके से। ग्लू गन से हमारे अच्छे से जल्दी से सेट हो जाता है और फेविकॉल से थोड़ा टाइम लगता है इसे सूखने में। अभी देखिए, मैंने इसको बना लिया है। अब मैं इस पर नक्श लगाऊंगी। देखिए वो हम किस तरीके से लगाएंगे। अगर आपको नक्श लगाने हैं इसी तरीके से तो आप फेविकॉल से लगाएं।
मैंने इस पे पूरे पे नक्श लगा के तैयार कर लिए हैं। अब ये मेरा, ये देखिए मेरा ये शाइनिंग वाला धागा है और ये मैंने कुछ बेल्ट लिए हैं। अब मैं इसको इसमें अटैच करूँगी। धागे को हम इस तरीके से, हमें डबल लेना है इधर से, देखिए इस तरीके से, इस तरीके से डबल लेने के बाद हम इसे इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको बेल्ट को इसके अंदर डाल दिया है और हम ग्लू गन लगा के इधर हल्का सा और इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे इधर से और फिर हम इसको चुपका देंगे इधर। देखिए इस तरीके से ऐसे ही मैं इसे भी कर लूँगी। धागे को हम फोल्ड में लेंगे। इसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। वॉल हैंग मैंने आपको मैक्रेम का भी बता रखा है, लेकिन मैं आज आपको स्टिक से बता रही हूँ कि स्टिक से वॉल हैंग हम किस तरीके से बनाते हैं। आज मैं आपको वो बता रही हूँ कैसे हम बनाते हैं इसको। अभी देखिए ये भी मैंने डाल के तैयार कर लिया है। अब इसको भी हम इधर अटैच कर देंगे ग्लू गन से। ये देखिए ग्लू गन से हमारे ये अच्छे से सेट हो जाते हैं और जो हमारे नक्स वगैरह होते हैं ये हमारे फेविकॉल से सेट हो जाते हैं। अभी देखिए इधर भी मैं तीन लगा दूंगी ऐसे ही डाल के इसमें। अभी देखिए इसके ऊपर मैं मोती लगा दूंगी ताकि हमारा ये धागा जो मैंने लिया है शाइनिंग वाला ये हमारा दिखाई ना दे। इधर से एक एक मोती लगा देंगे हम। देखिए इस तरीके से, और जो मैं इसके ऊपर का वेस्ट बनाऊंगी जिससे हम इसे अच्छे से सेट करेंगे लगाएंगे वो हम इस तरीके से इतना लेने के बाद, और इसे हम इधर से देखिए इधर की तरफ हमें उल्टा करके इसको, तब हमें ग्लू गन लगानी है इधर, और ग्लू गन लगाने के बाद हम इसे इधर सेट कर देंगे और फिर हम इसे सीधा कर देंगे। देखिए कितना सुंदर बन के आया है मेरा ये वाल हैंगिंग। ये देखिए इससे हम इसे टंगा सकते हैं। ये देखिए मैंने टंगाने का भी बना दिया है इसमें। अभी देखिए फ्रेंड ये मेरा वॉल हैंगिंग आपके सामने बनके तैयार है। ये देखिए मैंने इसको ऊपर से इस तरीके से टंगाने के लिए मैंने इसमें अटैच कर दिया है। अभी देखिए मैंने नग्स इस तरीके से नग लगाए हैं इसमें, और ये देखिए मैंने इधर भी तीन वेल्स लगा दिए। अगर इसी प्रकार से आपके सामने ये बन के आया है। अगर वीडियो समझने में आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।